इग्नोर करो तुरंत। हाय हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नाम है दीप जोशी एंड स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग चैनल में। देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। अभी उठाऊँ मैं और अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब जा गया तो अपने भाई के यहाँ जा रहा हूँ कुछ काम से। दिखाएंगे आपको किस काम से जा रहे हैं और क्या क्या करते हैं आज के दिन। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी अभी उठा हूँ, स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइस, एक बात और कि मैंने इससे पहले कभी ब्लॉग नहीं किया है, सो कोई भी गलती हो, कोई भी छोटी बड़ी मोटी कोई भी, इग्नोर करो तुरंत, ठीक है। और मैंने एक बार ब्लॉग किया था, मुझे याद है, हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे थे। हाँ, हल्द्वानी दिल्ली जा रहे थे, 3 मिनट का या 3.5 मिनट का ब्लॉग किया था, पता नहीं कैसा था। जिसने देखा होगा उसको बताओ कि ऐसा था, अच्छा था, दिखा था, जो भी था। मतलब यार मैं सोच रहा था ये चैनल को डालना चाहिए, काफ़ी टाइम चैनल में कुछ आया नहीं है, सो मैं सोच रहा था कुछ तो हमें डालना। ये काम नहीं आया, किसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं सोचा चैनल को डालना चाहिए, कुछ तो होगा। क्या वीडियो बनाता था मैं, जैसे बनाता था आपने देखी होगी, पसंद होगी तो आपने लाइक भी करा होगा, नहीं देखी तो ब्लॉग आएगा, देख लेना, चैनल पूरा आ जाएगा मेरा। तो ठीक है, पहले नाश्ता करेंगे, भूख नहीं धोया है, फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। सो फाइनली गाइस, मैंने नहा लिया है, या बालों में मत जाना क्योंकि बाल मैंने एक्चुअली धोए नहीं है, लंबे बाल हैं, बाल में धोता नहीं हूँ। और जिस दिन बाल ना धो उस दिन सबसे बड़ा टास्क ये रहता है बाल में पानी ना जाए, जिसके लंबे बाल उसमें होता हुआ है, होता है ना। तो अब हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद हम जाएंगे भाई के, मैंने उसको फ़ोन किया है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को 10th 11th 12th को, तो वो कह रहा है 12 बजे तक फ्री होऊंगा, तो हम 12 बजे निकलेंगे यहाँ से। तब तक जो जो हम देखते हैं घर में क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है यार गाइस, लाइट आज दोबारा चले गई, कल से लाइट ने बहुत परेशान करा, कल भी सुबह से गई थी और शाम को आई है 7:30 बजे, और आज दोबारा, और आज तो जल्दी चले गई, कल तो थोड़ा लेट गई थी, मतलब कहीं को गई थी शायद से उधर की साइड वाले में, सुबह चली गई थी, हमारे यहाँ गई थी शाम को शायद, हाँ शाम को गई थी 3-4 बजे, पर आज सुबह ही चली गई है। अब अंधेरा हो चुका है तो हमने उबाल लगे अंडे, तो अंडे एक अंडे खाते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में, तब तक संडे के मजे लेते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो गाइस, मैंने कहीं जाने की बात करी और बाजिश ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, तो ये देखो बारिश का तहलका, काफ़ी तेज आ रही है, तो ऐसे में कैसे जाया जाएगा, अब पता नहीं कब तक बंद होगी, कुछ पता नहीं है, और तेज है बारिश, देखते हैं कब तक बंद होती है। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ, मैंने कहा था अपने भाई का जा रहा हूँ, तो ये खड़ी है अपनी बाइक, इसमें हम जाएंगे, ये रही हमारी बाइक, इसमें हम जाएंगे अभी, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ये तो चालान कट सकता है और अपनी सेफ्टी भी। सो पहले हम खोलेंगे गेट, फिर निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सीन। तो गाइस हम निकल गए हैं, मैं निकल गया हूँ, मतलब हम जा रहे हैं, ये देखिए बारिश का कुछ इस तरह दिख रहा है आगे का, मतलब कुछ भी कहो यार, बारिश होने के बाद ना मतलब सब ढल के साफ रहता है, एकदम क्लियर दिखता है। क्या पहुंच गया हूँ, एक्चुअली पीछे रास्ता है, यहाँ से बाइक आ नहीं पाती उसकी, यहाँ पर तो मैंने बाइक यहीं खड़ी कर दी है, मैं पहले पता जा रहा हूँ, रोड में पानी भरा हुआ है, देखो रोड में पानी पानी हुआ पड़ा है, अभी बारिश बंद हुई नहीं है वैसे पूरी तरह से, बूढ़ा बारी पड़ रही है, कहीं तेज ना हो जाए मैं भीगना चाहूँगा। दरवाजा ये तो हो रहा है, हेलमेट की वजह से बारिश अभी बंद नहीं हुई है यार, अभी बंद नहीं हुई बारिश, तो बारिश बंद कहाँ हो गया, आ जाओ भैया हमारे आगे भी है। हमने अपने भाई से बात करी जो काम से आ रहा, भाई ने वो काम कर दिया हमारा, तो भाई कह रहे हैं कि हम ब्लॉग की सीरीज बनाते हैं, कहीं चलते हैं नैनीताल भीमताल वगैरह घूमने चलते हैं और पूरी एक सीरीज बनाते हैं। तो भाई कहाँ का ख्याल है आपका? पहले यहाँ से भीमताल करते हैं ट्रिप, आफ्टर दैट कुछ साथी कवर करते हुए देन अगेन और नैनीताल, तो मतलब ये सीरीज होने वाली है कम से कम 15-16 एपिसोड होंगे इसमें। हाँ मे बी 15-16 तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बट आई थिंक मे बी मोर सेवन, अप टू सेवन, मोर टू सेवन भी हम गेन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशूज है नहीं। सबसे मेन है टाइम का चक्कर, क्यों है टाइम का चक्कर, क्योंकि भाई को पढ़ाना और ट्यूशन,
दूसरा बड़ा अलर्ट भाई रहता है, ज्यादा बिजी अभी खाली रहो, अभी मैं आया थोड़ी देर, अभी बातचीत करके मैं निकल ही रहा हूँ। ठीक है, इम्प्रूवली अभी हम स्टार्ट किया है, जस्ट बहुत सारी चीजें हैं, इसके बाद हम इंटरव्यूज पे ब्लॉग ब्लॉग बनाना हमें तो भाई आता है नहीं, कहता ही जो मन में आ रहा है बकते रहे, आगे चल के क्या पता हमारे ब्लॉग अच्छे आए। और पकाया तुम्हें बताइए, मेरे चैनल में साल में या 5 महीने में एक वीडियो आती है, बस ढूंढ लग जाती है मुझे, एंगल आ जाएगी एक दो वीडियो उसके बाद समझ आना चलना मुझे पता है। उसके बाद एक्चुअली हमारा कुछ सीरीज का भी प्रोग्राम चल रहा है, बट ये है कि हमारे यार मेन तो हमारा वही था कि वीडियो हम बनाएंगे, मतलब तगड़ी वाली, मतलब कंटेंट वाली वीडियो, ब्लॉग व्लॉग भी सोच रहे हैं ना, मतलब ऐसे सुबह माइंड में आया था कि यार कुछ करना चाहिए, ब्लॉग व्लॉग फाउंड करने का कुछ तो आया चैनल में। तो अभी हमने सीरीज तो हमने एक वेब सीरीज तक लिखी है, तो अभी देखते हैं कुछ बात चल रही है इधर उधर। तो भाई आपने कहा इस ब्लॉग में लिखी है? बोर्ड में लिख रहे हैं ये स्क्रिप्ट। तो फाइनली हमारा भाई रेडी हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं सुनील भाई के यहाँ, उनका भी एक YouTube चैनल है, तो उनसे मिलते हैं। फोन आया था कि यार यहाँ को आओ मिल लो, हमने कहा ठीक है आते हैं, अभी बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से, निकल चलो मिलते हैं। ये खड़ा है हमारी सवारी, इसमें हम बैठ के जाएंगे हम दोबारा, यहीं पे कह रहे होंगे मैं वहीं से कर निकल लूँगा। पर ये लो भाई हमारा कैमरा संभालो, तुम दिखाओ थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ें हमारी। तो यहाँ पर दीप जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है, इंसान टूट जाएगा इन्हें टूटेगी। Now we are going to Sunil bhai's home. भाई में दिक्कत हो जाएगी ना, वो सही नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए हम पानी में चला रहे हैं गाड़ी, समझ लीजिए हमारी एक बोट ही चल रही है। एक्चुअली यहाँ पे इतना इश्यूज है हल्द्वानी में कि पानी बहुत जल्दी बढ़ जाता है हमारे पे। नाउ अब हम जा रहे हैं सुनील भाई के घर को, हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। आजकल एकदम चकाचक लग रही है सुबह बारिश की वजह से, अभी बारिश बंद। हाँ ये तो है कि मतलब उत्तराखंड में अगर बारिश हो जाए ना तो एक वेदर एक अलग ही होता है, और आगे पहाड़ तो शाइन मारते ना आपको, वी कांट से दैट समथिंग। नाउ अब हम सुनील भाई के जस्ट घर के आगे पहुंच ही चुके हैं, तो अभी हमारे सुनील भाई आएंगे। सुनील भाई को लगता है आवाज़ लगानी पड़ेगी। ये है हमारे सुनील भाई का घर। तो दीप जी कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, पहले हम सुनील भाई को आवाज़ लगाएंगे। आ गए हमारे सुनील भाई जी, आइए। ये सेठ जी हमारे। तो अभी सुनील भाई आए नहीं है, आए इसलिए नहीं है क्योंकि बताइए आप क्यों नहीं आए हैं। एक्चुअली उन्हें चप्पल नहीं पहनी थी, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। देन अभी उनका एक्चुअली वो सुनील भाई जो है अपना खुद का, ये आए सुनील भाई अपने ये चप्पल अप्पल पहन के एकदम स्वैग में। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसमें इनके 10K+ सब्सक्राइबर्स भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुनील भाई प्लीज़ अपने चैनल का नाम बताइएगा आप। भावना सुनील और होलसेल बाजार विद सुनील, दो दो चैनल चलाते हैं भाई साहब अपने। हाँ, एक ही चैनल चलाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, प्रमोशन तो करना। हमने तो बिल्कुल सब्सक्राइब किया है और ये इसको देख के हमने चैनल बनाया और मैं बंद, और ये बीच में चैनल बंद करके बैठ गया है। आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और आप लोग इसको सपोर्ट करो, थोड़ा सा लड़का मेहनत कर रहा है लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, बीच में टपर गया था, बीच में टपर गया। मैंने इसको दोबारा बहुत मोटिवेट किया, मेरे मोटिवेट करने का रीजन ये है कि इसने नहीं बोलने दे रहा मेरे को, मेरे बोलने का, मेरे मोटिवेट करने का रीजन ये है कि लड्डा बहुत मेहनती है, लड्डे को सपोर्ट करो और लड्डे की शादी वादी हो जाएगी थोड़ी। सुनील भाई का 3-4 दिन से मतलब एक हफ्ते हो गया था, सुनील भाई कह रहे कुछ कर कुछ कर, मैं ठीक है करते हैं। कहाँ को? अरे यार सुनील को दिखाते ना भाई, मैं कपड़े तो यहाँ रखा ना, आ जाए तो स्लीपर उतार लेना भैया। सुनील भाई घर में आ गए, किसका बर्थडे था? भाभी का बर्थडे। तुम लोगों ने बिस्किट भेजी ना गिफ्ट लाइक, तुम लोग बर्थडे का तो क्या कहें, बर्थडे पार्टी में तो बिल्कुल आग लगा रखी है, मतलब तो लगा डेकोरेशन देखो उनकी, मतलब मैंने कहा सुनील भाई ने मेरे से कहा कुछ कर तो पहला ब्लॉग सुनील भाई के साथ बनाऊंगा। हमने लिया है नया कैमरा, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, वो तो मैंने देख लिया तुम्हारे ब्लॉग चैनल में, लेकिन यार मेरे को ना ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पूछा जाए इसके बारे में कि क्या है और कैसे इसको यूज करना है। अब सुनील भाई उतर गए हैं DSLR में, तो कंटेंट भी अच्छा दिया जाए। 10K हो गए यार अब तो फॉलोवर्स, नहीं सब्सक्राइबर। बट एक बात है कि हमारा यूट्यूब में एंट्री सुनील भाई की वजह से हुई, क्योंकि उनका ही था, तुम लोगों को देख के ही मैंने चैनल बनाया, मतलब हमारी मेन रीजन ही है, मेन रीजन ये था कि बोलिए क्योंकि मैं नहीं आ रहा था वहाँ पे, तो क्या कहते हैं अच्छा तू साइड बैठ रहा था, और क्या कहते हैं यार मेहनत तो ये बहुत कर रहा है, बट ये है कि बीच बीच में ना थोड़ा सा ये है कि बीच बीच में अटक जाता हूं तो अटक जाता है भाई, एक फ्लो में चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी हम लोगों का क्या है कि देखो सब्सक्राइबर हमारे बहुत अच्छे हो गए, बट
व्यूज हमारे ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, जितने जैसे 10K सब्सक्राइबर है तो 1K 2K व्यू आ रहे थे। तो गाइस हम आपको मिलेंगे अपने सुमित भाई की बेटी से जो बहुत छोटी है, क्या नाम है सुमित भाई? अनाया कहाँ हो? अनाया इधर आओ। अनाया ये देखो लोटे, अनाया के साथ यही बच्चा बन गया गुब्बारे से खेलना। अनाया आपका बैलून। ये है सुनील भाई की छोटी छोटी क्यूट सी बेटी अनाया। अनाया टॉयज दिखा दो अपने टॉयज। आपने टॉयज अनाया दिखाओ, टॉयज दिखाओ जल्दी। ये वाह। अनाया इसका नेम क्या है? अनाया क्या है? इसका नेम क्या? नेम भी तो नहीं बताया आपने हमें। मतलब भाभी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा है। नहीं अब तो बर्थडे और एनिवर्सरी पे था, अभी कहाँ मिल रहा। बर्थडे कब तो आएगा बताओ ना। बर्थडे यूट्यूब के छीटे तो काफी बढ़ रहे, हमारे नहीं बढ़ रहे छीटे बस। ये तो वही है, नहीं है। यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, काफी लेट हो गया है। अनाया बाय से बाय। बाय अनाया, बाय कर दो। पहले टाटा करो, बाय करो। अनाया से बाय। अनाया से नीचे जाने बाय करो पहले। चलो फिर नीचे चल रहे, पहले बाय करो। पहले बाय करो, पहले बाय करो, बाय करो, पहले बाय करो पहले जल्दी। चलो चलते हैं नीचे को हम। सुनील भाई छोड़ने आ रहे हैं नीचे। ये है सुनील भाई का बगीचा। बगीचा स्मॉल बगीचा, छोटा ये मतलब बगीचा तो नहीं, बगीचे को जंगल बना दिया है। नीचे का व्यूज बड़ा बढ़िया। सुमे चाबी कहाँ है बाइक की? सुमे चाबी क्या? अब बाइक में चाबी ऐसा नहीं हुआ। हाँ चलो बाइक में छोड़ती याद ही रहता, हर बार बाइक में चाबी छोड़ लेता हूँ मैं। बाइक में चाबी, बाइक में चाबी तो हमेशा ही बाइक में रहती है। मैं कहीं भी जाऊँगा बाइक में चाबी छोड़ूंगा, तो अच्छा है कि चाबी को ले नहीं जाता है। ये तो है बट लेकिन कई बार रिस्की रहता है ना इधर तो। भाई बहुत फिसलन हो रही है, तो इश्यूज नहीं है, फिसलन हो रही है यार। नॉन रेजिडेंशियल एरिया तो इश्यूज रहते हैं। ताला लगा है। आ गए हमारे सुनील भाई नीचे हमें छोड़ने। चलो फिर मिलते हैं। बाय चलो नाया। मिलते हैं बाय। इसको बाय बाय नाया। बाय बाय इसको सेल आउट प्लान से कर दो। और हम निकल रहे हैं, पहले हम छोड़ेंगे हिमांशु भाई को हमारे के घर, उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर को। अभी जस्ट मुझे ये ड्रॉप करता है, उसके बाद अपने घर को निकलेगा। फूल पार्लर चलते हैं। चलो फूल पार्लर बंद है भाई। नहीं नहीं ओपन है, ओपन है। तो भाई हमारे हमें पार्टी दे रहे हैं, देख ला रहे हिमांशु भाई। हिमांशु भाई हमारी हमें पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक, अब पिच पियेंगे हम। तो हम पी रहे हैं पिच। ये छोटी पार्टी हिमांशु भाई की तरफ से। बात है कि अभी हमने एक्चुअली लेना तो पेपर बुक के थोड़ा जा रहे थे बट खत्म था। अभी फिश है स्टॉकिंग में, तो नाउ अभी यही देंगे क्या? चलो मिलते हैं अभी इससे। गाइस मैं घर पहुंच गया हूं, अब तो ब्लॉग नहीं करते हैं एंड। आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कर दो, उन्हें बैन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।